नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। देश में जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर तेज हो रही है, लगता है कि झांसी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। झांसी में आज एक बार फिर से कोरोना ने अपनी रफ्तार को तेज किया है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सीधे जंप लगाकर दहाई के आंकड़े से ऊपर निकल गई है। आज झांसी में 2855 सैंपलों की जांच के बाद 29 यानी 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जी हां, 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई है, मरने वालों का आंकड़ा 174 ही है। संक्रमित मरीजों की संख्या 10,471 पर है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 8,474 है। आज 2 लोग होम आइसोलेशन में भेजे गए हैं, 1,836 लोग झांसी में होम आइसोलेशन में हैं। रिकवरी रेट 97.53% है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है, इसके बाद आज पुलिस प्रशासन ने भी अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है कि अब बिना मास्क के कोई भी बाहर नजर नहीं आएगा। मास्क लगाना जरूरी हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शुरू कर दें, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो झांसी में अब कोरोना मरीजों की संख्या जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, भाई कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता जाहिर कर रही है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। भोपाल में आज कई शहरों में लॉकडाउन रहा। इसके अलावा मुंबई में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तो फिलहाल जो झांसी पिछले कुछ दिनों से 2-4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में ठहरी थी, अब वह धीरे से जंप करते हुए 29 तक पहुंच गई है। ऐसे में आपको बहुत सजग रहना है, सतर्क रहना है। हम लॉकडाउन का खतरा ना आगे बढ़ने दें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आप लोग सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। मार्केट संवाद आपसे लगातार अपील करता है कि कृपया नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि नियम से ही हम सुरक्षित रह पाएंगे, सजग रह पाएंगे। मार्केट संवाद के लिए अनिल मोर की रिपोर्ट, झांसी।